In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. आज पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के चैप्टर 2 की बात करेंगे और इसमें आज हम सेक्शंस पढ़ेंगे 6 से लेकर 52A तक सारे सेक्शंस को कवर करेंगे और ये मेरी वीडियो जो है ये आपको पार्ट्स में डिवाइड होकर मिल जाएगी और ये एक पूरी मुकम्मल वीडियो भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। सो सेक्शन 6 से हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान पिनल कोड के बारे में। हमने फर्स्ट चैप्टर जो है ना इसको पढ़ा, अब हम सेकंड चैप्टर जो कि जनरल एक्सेप्शन है वो पढ़ेंगे। सेक्शन 6 पीपीसी 1860 सेक्शन 6 से हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन इन दिस कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। अच्छा, इसमें वो बताता है, वो कहता है थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन, वो कहता है इस पीपीसी के अंदर इस कोड में हर डेफिनेशन, अच्छा उसके बाद एवरी पिनल प्रोविजन, हर डेफिनेशन में, हर पिनल पनिशमेंट के प्रोविजन, हर पनिशमेंट प्रोविजन में, पिनल प्रोविजन में, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस में और हर इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है साथ, एंड एवरी इलस्ट्रेशन में, डेफिनेशन में, प्रोविजन में, पिनल प्रोविजन में और इलस्ट्रेशन में। वो कहता है फिर आगे कहता है सच डेफिनेशन और पिनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कंटेन इन दिस चैप्टर इन टाइटल जनरल एक्सेप्शन। Through those exceptions are not repeated in the definition, penal provision or distillation. वो कहता है एक chapter है general exceptions. जितने भी exceptions हैं, exceptions क्या हैं? Exception ये होती है कि हम कहता हूँ कि जी president असम्बलियाँ तोड़ सकता है, ठीक है, ये जब मर्जी जब चाहे वो on the advice of prime minister असम्बलियाँ तोड़ सकता है, लेकिन exception क्या है? नहीं तोड़ सकता। कब? एक कोई exception है, वो कब? इसलिए नहीं तोड़ सकता कि जो है ना अगर तरीके अदम अतमाद जमा करवा दी गई है असम्बली में तो फिर नहीं तोड़ सकता, ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज वो तोड़ सकता है, क्योंकि हर चीज़ें एक्सेप्शन होती हैं। ठीक, मैं कहता हूँ जी जैसे जुर्म है, जिसने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन भी है वो आप पढ़ लीजिएगा, ए है कि जुर्म नहीं माना जाएगा, जुर्म ही जुर्म है, पीपीसी कहता है जो जुर्म करेगा उसको सजा मिलेगी। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है? हर जो बंदा ऑफेंस करेगा, जुर्म करेगा उसको सजा मिलेगी। एक्सेप्शन क्या डाली? 7 साल से जो नीचे वाला जो बच्चा होगा ना वो जुर्म करेगा तो जुर्म माना ही नहीं जाएगा, एक्सेप्शन दे दी 7 साल वाले बच्चों को, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन होती हैं। तो पीपीसी के अंदर वो कहता है सेक्शन 6 के हर डेफिनेशन, इलस्ट्रेशन या पिनल प्रोविजन, उनको आप पीपीसी में जहाँ जहाँ भी आपने पढ़ना है एक्सेप्शन को, जो चैप्टर है ना उसमें सारी एक्सेप्शन को मद्देनजर रखकर फिर पढ़ना है। उन्होंने काम जो है ना वो बेचारे उनका काम लिखते फिरेंगे, एक बार चैप्टर बनाओ और उनको बता दो सेक्शन 6 के अंदर कि वो चैप्टर बन गया, उसको पढ़ो और फिर उस लिहाज से चलो, यानी कि हर आपने जो सेक्शन पढ़ना है उसके अंदर आपने एक्सेप्शन को लास्ट में मद्देनजर रखना है। सेक्शन 7 का कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। अच्छा जी, वगैरह जो भी लफ्ज बयान किया जाएगा, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इज कन्फर्मिटी विद एक्सप्लेनेशन। वगैरह जो भी लफ्ज बयान किया जाएगा इसका वही मतलब लिया जाएगा जो यहाँ पर बयान कर दिया गया है, राधा दैन की कोई और नहीं आपने वर्ड निकाल देना कि इसका तो ये भी मतलब हो सकता है, इसका तो यह भी मतलब हो सकता है, नहीं, जो बयान कर दिए गए हैं जिसकी वजाहत पीपीसी ने कर दी है एज इट इज़ वो ही माना जाएगा। जिस तरह के अब जो ही है, ही में शी भी माना जाएगा और हम ही को जब इस्तेमाल करते हैं पीपीसी में, ही के अंदर हम शी भी साथ जो है ना उसको लगाते हैं कि ही लिख के लग गया, वो मेल के लिए भी, वो फीमेल के लिए भी है। अब पीपीसी ने कह दिया, हम ये नहीं कहेंगे नहीं ही तो बंदिया से होता है, बुढ़िया से नहीं होता, नहीं, पीपीसी ने कह दिया कहता है जो बयान कर दी, जो वजाहत कर दी कि ये वैसे ही लेकर चलना पड़ेगा, उसी मतलब के साथ समझना पड़ेगा। अच्छा जी, ये सेक्शन 7 कहता है। 8 कहता है जेंडर वो सेक्शन आ गया। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। लो जी, वो कहता है इस्तेमाल कर सकते हो चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, क्या यूज़ होगा? शी यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा? ही यूज़ होगा, चाहे वो शी है वो ही है या अदर्स। ओके, सेक्शन 9 नंबर्स, वो कहता है अनलेस द कंट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड इंपोर्टिंग फ्रॉम द सिंगुलर नंबर, जब तक स्याको सबाक इसके बरक्स जाहिर ना हो तो जो नंबर द वर्ड इंपोर्ट सिंगुलर नंबर, ठीक है, जो वर्ड सिंगुलर नंबर को बरामद कर रहे हैं उसमें हम क्या समझेंगे, हम उसमें से जो प्लुरल नंबर है जमा है उसको भी समझेंगे, एंड और द वर्ड इम्पोर्ट जो वर्ड इम्पोर्ट दरामद करें कि इसको प्लुरल नंबर को उसमें हम सिंगुलर को भी समझेंगे। अच्छा जी, मानेंगे। सेक्शन 10 कहता है मैन, फिर आगे कहता है वुमेन,
जो एम ए एन मैन है ना डिनोट मेल ह्यूमन ऑफ एनी एज, ठीक है जी। आगे वुमेन, ये औरत को जो है ना वो डिनोट करेगा चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की है। अब पर्सन, हम कहते हैं फलां पर्सन ने फलां काम पाया सी, नहीं पीपीसी कहता है पर्सन कौन है, पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी हो सकती है, वो एसोसिएशन हो सकती है, बॉडी ऑफ पर्सन्स हो सकती हैं, ठीक है, या इनके एसोसिएशंस, एक एसोसिएशन है ना फिर पांच एसोसिएशन मिला लो तो बॉडी ऑफ पर्सन्स, ठीक है, या लोगों की बॉडी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये हमारा सेशन 11 कहता है। आशा जी 12 के बाद चलते हैं, 12 कहते हैं पब्लिक, द वर्ड पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास द पब्लिक ऑफ एनी कम्युनिटी, यानी कि वह पब्लिक उसको कहेंगे जो किसी किस भी क्लास के लोग या कोई कम्युनिटी हो उसको पब्लिक कहा जाएगा। सेशन 13 ओमिट हो चुका है, 14 की तरफ चलते हैं, वो कहता है जी सर्वेंट ऑफ द स्टेट, सर्वेंट ऑफ स्टेट कौन है इसको पढ़ लेते हैं, द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट ऑल ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड, वर्ड है कंटिन्यूड, ठीक है जी, जो गैर हाजिर वो नहीं जो कंटिन्यूड है, तमाम अफसरान या मुलाजिम जो कंटिन्यूड अपॉइंट और इम्प्लॉयड इन पाकिस्तान बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट, सर्वेंट है या ऑफिसर है, अगर चाहे वो प्रोविजन सूबाई हुकूमत के अंडर है या फेडरल वफाक के अंडर है। 15 भी मीट हो चुका है, 16 भी मीट हो चुका है, 17 की तरफ चलते हैं, गवर्नमेंट, द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट ऑल द पर्सन और पर्संस अथोराइज बाय लॉ, ठीक है जी, कहता है या तो शख्स या खास कोई एक बंदा या बंदे अथोराइज बाय लॉ, अथोराइज बाय लॉ क्या मुराद है, अब मैं उठ के कह दूं मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूं तो कह दो क्या मसला, कहने में तो कोई मसला नहीं है, मानेगा कोई नहीं, तो कैसे मानेगा जब मैं खुद को अथोराइज कराऊंगा किसके थ्रू, लॉ के थ्रू, क्योंकि सारा क्राइटेरिया क्या है कि पहले अपना पार्टी बनाओ, इलेक्शन कमीशन के सारे मामला जो है ना फुलफिल करो, तमाम जाकर फिर इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद आपको कोई मुंतखब करे, यानी कि सारे जो है ना वो फुलफिलमेंट करनी पड़ती है, लॉ के साथ आपको मामला करने पड़ते हैं, कानून आपको अथोराइज करे अंडर दी अथोराइज, ठीक है जी, कहता है जी वर्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वो है पर्सन बंदा या अशखास, पर्सन या पर्संस जो अथोराइज है बाय लॉ, जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं या जो भी है, टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और इन एनी पार्ट, वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के हिस्से को गवर्न कर रहे हैं गवर्नमेंट कहलाएंगे, जिस तरह के वफाक में शहबाज शरीफ था, अब आजकल थे अपना वो परवेज अली साहब, तो उनकी हुकूमत थी इधर एनी पार्ट, इनके और इन एनी पार्ट देर ऑफ, अब कोई मोहसिन नकवी साहब की आ गई है। खैर 18 मीट हो चुका है जी, 19 तरफ चलते जज, द वर्ड जज डिनोट नॉट ओनली एवरी पर्सन, हर बंदे के लिए जज नहीं माना जाएगा, वैसे बना तो आजकल हर कोई जज ही हुआ है। खैर द वर्ड जज डिनोट नॉट ओनली जज, से मैंने इसलिए कहा कि हर बंदा ये कह रहा है जी फलां जहनमी फलां काफिर फलां काफिर, अपना पता कोई नहीं है, हर बंदा दूसरे काफिर कह रहे हैं, पीपीसी पर आपके सामने जी, जज द वर्ड जज डिनोट नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डिजाइनेटेड एज अ जज बट आल्सो एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन लीगल प्रोसीडिंग, और सिविल हो वो क्रिमिनल हो डेफिनेट जजमेंट, जजमेंट जज वो बंदा है जी जिसको लॉ ने क्या किया है एम्पावर किया है, मैं कहूँ जी मैं जज हूँ, मानेगा कोई नहीं, तो कैसे मानेंगे, देखो सारा क्राइटेरिया है, LLB करो फिर वक्त करो इंतज़ार करो उसके बाद एग्ज़ाम दो सिविल जज की, सिविल जज की एग्ज़ाम पास होने के बाद कानून का सारा मामला मैंने तय किया फिर मुझे अथोराइज किसने किया गवर्नमेंट ने, आज हो जी हूँ तुम जज हो, ठीक है, ये हर किसी के लिए नहीं है कि हर बंदा उठ के कह रहे मैं जज हूँ ना, ठीक है, ये जज वो है जिसको हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ, जिसको लॉ ने एम्पावर किया है टू गिव दे क्या जजमेंट, दे किस पर दे, वो सिविल हो वो क्रिमिनल हो लीगल प्रोसीडिंग पर जो है ना वो जजमेंट दे, और जजमेंट विच इज अपील अगेंस्ट वुड बी डेफिनेट और जजमेंट विच इज कन्फर्म बाय एनी अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेट, और हाँ जिसकी तस्दीक कोई अथॉरिटी करे या जिसके अगेंस्ट कोई अपील ही नहीं हुई, दोनों के ऊपर क्या दे सकती है जजमेंट दे सकती है। ले जी आगे चलते हैं, हमारा सेक्शन है जी अपना, आगे एक लाइन और है, हु इज़ वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन विच इज़ बॉडी ऑफ द पर्सन इज एम्पावर बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट, यानी कि आपको या तो अकेला कानून की अमल तरामद जो है ना वो अदालत कार्रवाई चला सकता है, या बॉडी ऑफ पर्सन जिसका कहते हैं ना तीन मरियम नवाज की करप्शन के ऊपर तीन जजेस का बेंच तश्कील दे दिया, ठीक है,
तो ये वो जिनके वो होते हैं जो बेंच होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं बॉडी ऑफ पर्सन, या कोई केला जजमेंट चला सकता है और जजमेंट दे सकता है, अपना वो कार्रवाई चला सकता है और जजमेंट दे सकता है। आगे 20वां पढ़ते हैं जी, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा डिनोट जज, जज हु इज इम्पावर्ड बाय लॉ, जिस जज को लॉ ने इम्पावर किया टू एक्ट परफॉर्म करे, जुडिशरी जुडिशरी को लॉन करे यानी कि अदालती कार्रवाई को चलाए, अकेला अलोन और अ बॉडी ऑफ जजिस या जजिस की बॉडी यानी बेंचिस के साथ, विच इज इम्पावर्ड बाय लॉ, जिसको लॉ ने इम्पावर किया, ठीक है जी, टू एक्ट जुडिशरी एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजिस इज एक्टिंग जुडिशरी, ठीक है, जिनको लॉ ने एम्पावर किया है वो चाहे तन्हा या बेंच या पर्सन ऑफ बॉडी या जजेस के साथ बेंचेस के साथ कानूनी कार्रवाई को चला सकते हैं वो तमाम जिनको अपना लॉ ने एम्पावर किया है। ये हमारा सेक्शन 20 था, उन्हें कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा।